नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बात करूंगी शनिदेव के बारे में। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कर्क राशि के जातकों के बारे में कि उनका ये जो टाइम पीरियड है ना, वो कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से उन्हें सावधानियां लेनी चाहिए और कौन कौन से उनको उपाय इस टाइम पीरियड में करने चाहिए। देखिए, शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले तो हम समझा दूं मैं आपको वक्री होता क्या है। देखिए, शनिदेव अपनी स्पीड में चल रहे हैं सूर्य के साथ, वो जब सूर्य से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और वो थोड़ा धीमी गति में चलने लगते हैं, स्लो चल रहे हैं या टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है वक्री होना। ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलते, वो अपनी स्पीड में चलते हैं, बस थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो उसे हम वक्री कह सकते हैं। तो हम लोगों के ऊपर उस वक्री ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी विषयों के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी हमारे कर्क राशि के जातक है, उनका टाइम पीरियड कैसा चलेगा, कौन से उपाय उन्हें करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कर्क राशि के जातक हैं जितने भी, उनका जो ये टाइम पीरियड है, शनिदेव उनके एर्थ में रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा सावधानी का पीरियड हम कह सकते हैं कि उन्हें इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वो इस टाइम पे कोशिश करें कि मतलब जो उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या वो कहीं पे कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, जॉब स्विच करना चाहते हैं या बिजनेस कुछ स्विच करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कुछ मैरिज से रिलेटेड मतलब कुछ मतलब आगे बात को बढ़ाना चाहते हैं, अगर शादी की कोई बात चल रही है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपकी चीज़ें डिले होती हुई दिख रही हैं। जो मन में आपके प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ पार्टनरशिप के जो आपके मन में चल रहा है कि मुझे पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, तो पार्टनरशिप से भी रिलेटेड आपके माइंड में जो चल रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बट मैं बोलूँगी आप बहुत ही सोच विचार करके पार्टनरशिप की तरफ मूव होएं, क्योंकि पीरियड बहुत मतलब मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगी, बहुत बुरा भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी सावधानियाँ आप सभी लेकर चलें, क्योंकि देखिए शनिदेव जो है ना वो कर्म फल दाता है, तो आपको कर्मों का हिसाब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आप सभी को ये बोलूँगी थोड़ा सा अपने मतलब चीज़ों को सही तरीके से करें, किसी का नुकसान नहीं करें, और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मतलब आप चाहते हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि मतलब जो शनिदेव हैं वो आपको इस टाइम पे मतलब जो भी आपके पास्ट लाइफ में जो आपने किया है तो उसका कहीं ना कहीं फल आपको दिखाई ज़रूर देगा, कि मतलब आप देखेंगे कि जो चीज़ें एकदम से ठीक थी वो एकदम से गड़बड़ा सकती हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर का काम कभी भी डराना नहीं होता आपको, आपको वहमों और डर से बाहर निकालना होता है। मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को ना सही तरीके से करें, उसका करने का सही तरीका देखें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पे कोशिश करें कि मेहनत ज़्यादा करें, वो मेहनत करेंगे उसको फल ज़रूर मिलेगा। जो इस टाइम पीरियड में अच्छी मेहनत करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, उसको फल ज़रूर मिलेगा। और अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो जितने भी हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनको उपाय क्या करना चाहिए, उनको इस टाइम पीरियड में ना किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि देव को दिया तो अर्पण करें करें, साथ में काले रंग के वस्त्र ज़रूर भगवान शनि को अर्पित करके आएं। ऐसा करने से उनका जो ये पीरियड है, टाइम है, वो अच्छा निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।